नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो ईडी प्रैक्टिकल के लड़के बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा था, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा था। देखिए, मैं समझता हूँ, लेकिन सिस्टम है, सिस्टम पे काम करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये आप समझिए। क्योंकि ये जो मामला होता है, ये डीजीटी के हाथ में नहीं था, ईडी और प्रैक्टिकल का। ये मामला होता है स्टेट नोडल और आईटीआई के, ये तीन के बीच में आप पिसे जाते हो। आईटीआई वाले का काम रहता है वो एलिजिबिलिटी करना, कई लड़कों की एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, उसके कारण माइनस वन आया है। कई आईटीआई है, मतलब माने ऐसे मैं बता दूं, साफ साफ बता रहा हूं, जो गलत है वो गलत है। फिर वो नोडल के हाथ में जाता है, नोडल बहुत सारे लोगों का नंबर चढ़ाता है या नहीं चढ़ाता है, या जो अटेंडेंस सीट रहती है वो डालता है या नहीं डालता है, और लास्ट में जो होता है वो स्टेट का मामला होता है कि स्टेट जो है तो उन बच्चों की लिस्ट, उस बच्चों के डेटा को डीजीटी को भेजा है या नहीं भेजा है। कई बार डीजीटी के मंगवाने पर ये पाया गया है कि स्टेट डायरेक्टर उसमें बेरुखी अपनाए हैं, बिल्कुल भी डीजीटी की बात नहीं माने हैं। इस पर बच्चे और आईटीआई वाले सारा दोष डीजीटी को दे रहे थे। जहां डीजीटी को दोष देना होता है, वहां पर मैं खुद डीजीटी को दोषी ठहराता हूं, लेकिन ईडी प्रैक्टिकल के मामले में साफ कह रहा हूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि ईडी प्रैक्टिकल के मामले में डीजीटी की कोई गलती नहीं होती है या विप्रो की कोई गलती नहीं होती है। आप माइनस वन आए हो या आप जीरो जीरो हो रहा है, तो उसका मामला जो है तो सीधे सीधे आपके नोडल और स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और कुछ जो है तो मामला आईटीआई वालों की होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप इस चीज को समझिए। कई दिन से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, अंततः आप लोगों को ये मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि अब आज जो है तो मतलब माने कल ये मीटिंग में बैठाया गया कि 12 जनवरी से ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम करवाया जाएगा। 12 जनवरी इसलिए निर्धारित किया गया है कि 12 से लेकर के 20 तारीख माने 16-17 पांच दिन का रहता है, आप उसको 12 से 20 मान लीजिए। अगर हो सकता है खुदा न खास्ता एक छुट्टी हो जाए, 14 जनवरी का छुट्टी है, तो पांच दिन का आपका होता है, 5-6-7 दिन का, 7 दिन का होता है, 5-7 दिन का होता है, तो 12 से 20 के बीच में आपका एग्जाम करवाने के लिए जो है तो चीजों को संसाधित कर दिया गया है और डेट जो है तो निश्चित कर दिया गया है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन के अंदर अंदर, जैसे मैंने पहले बोला था कि 25 तारीख तक में उसके पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपके कार्य 25 तारीख से संसाधित होना चालू हो जाएगा। मेरी सिर्फ इतनी लालसा थी, या आप कहिए तो इतनी लालच थी, हमको कोई पैसा नहीं देता कि कोई आईटीआई वाला मेरे को पैसा देता है तो मैं सो चलाता हूं। पैसा और फीस आप रखते हो, काम आपका होता है, मेरा जो काम है मैं अपना काम ईमानदारी से और जवाबदारी से काम करता हूं। कि मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि जो डेटा अभी कुछ बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी एक बिहार के एक केस आया कि वहां के जो स्टेट के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा 5000 डेटा नहीं चढ़ाए गए, 5000 डेटा नहीं चढ़ाए गए हैं। बताइए आप कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? आपको जितना गाली देना है तो डीजीटी को गाली दे लीजिए। मैं आप कल के शो में देख लीजिएगा मेरे के मैंने डीजीटी को कैसे उधेड़ा है और कैसे मैं जो है तो स्टेट गवर्नमेंट को उधेड़ा है, ठीक है। लेकिन जहां गलती स्टेट की है, नोडल की है, वहां बिल्कुल मैं बोलूंगा। और मेरी सिर्फ इतनी लालच थी क्या, और आज मैंने बोला भी, कल मैंने बोला भी कि सर 30 तारीख तक प्लीज, सर 30 तारीख तक एक बार और अपडेट का मामला लेकर के जाइए, 5 तारीख तक में पूरे रिजल्ट अपडेट हो जाए, 5 जनवरी तक में पूरा अपडेट हो जाए, रिजल्ट अपडेट हो जाए सर, तो बहुत सारे लड़के निकल जाएंगे। मैंने बोला था 20 तारीख को भी बहुत सारे लड़कों का माइनस वन हटा, बहुत सारे लड़के ईडी प्रैक्टिकल में पास हुए, अब बहुत सारे लड़के 25 तारीख के डेटा में भी पास हो जाएंगे, बहुत सारे लड़के देख लेना 30 तारीख में भी हो जाएंगे, और बहुत सारे लड़के देख लेना आप, मैं बोल रहा हूँ, कमेंट होगा
ठीक है, देख लेना आप कमेंट करेंगे लड़के, 5 तारीख तक में हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि 100 लड़के, 200 लड़के, 300 लड़के, 500 लड़कों अपडेट हो जाता है, तो वो कितनी बड़ी बात है, उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो मेरी सिर्फ ये रहती है, लालच रहती है कि मिले। अब चूंकि एग्जाम जब तक ये खत्म नहीं होगा, सीबीटी एग्जाम, तब तक आपका प्रैक्टिकल होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आपने बोला था कि जनवरी के उसमें हो जाएगा, मैंने ये चीज बोली थी, साफ साफ बता दूं कि जब सीबीटी एग्जाम खत्म होगा, और सीबीटी एग्जाम खत्म होना था उसको कब, आपके दिसंबर में ही, लेकिन क्यों बढ़ा, दो कारण के कारण बढ़ गया, ठीक है ना, जो चला गया 7 तारीख तक, तो निश्चित है कि 7 तक गया है तो आगे बढ़ेगा ही। अभी भी अगर कुछ हो जाता है तो भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सीबीटी अगर बढ़ गई तो। आप देखिए, जो बच्चे फीस दे चुके थे, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो उनका भी हक तो बनता है ना, उनका भी हक बनता है एग्जाम में बैठना कि नहीं बनता है। अब ऐसे आप लोगों के साथ में हो गया कि ईडी प्रैक्टिकल का आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो फिर आप लोग क्या कहोगे भाई, आप लोग क्या कहोगे, फिर आगे और बढ़ा तो फिर आप लोग क्या कहोगे, या आपका एडमिट कार्ड आया ही नहीं तो क्या कहोगे आप। और आप लोग एक गंभीरता को थोड़ी समझ रहे हो कि जो -1 अभी आए हो और आपका -1 क्लियर नहीं हुआ, तो आप ये सोच लेना कि जो अभी एग्जाम दोगे तो उसमें -1 क्लियर हो जाएगा। साहब दांते का पसीना आ जाएगा आपको, और मैं इसीलिए बोल रहा था कि संयम रखो, मैं संयम रखता हूं, मैं टेक्निकल आदमी हूं, मैं 28 साल से इसी सिस्टम में पला बढ़ा हूं, मैं जानता हूं कहां दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है। अब इसमें स्टेट की जो गलती है उसका खामियाना आप भुगत रहे हो, आप नोडल की भुगत रहे हो, आप आईटीआई वाले पे बहुत सारे लड़के दोष दे रहे हैं। देखिए, मैं आईटीआई वाले को तब दोषी मानता हूं कि अगर आईटीआई वाले ने एलिजिबिलिटी नहीं की थी, आपकी एग्जाम फीस नहीं जमा की, तो निश्चित दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो लिस्ट पहुंचा दिया, फीस जमा कर दिया, एलिजिबिलिटी कर दी, तो आईटीआई वाले का दोष बिल्कुल भी नहीं है, ये आप समझिए आप। अब नोडल वाले ने क्या किया, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को वो फोन कर रहा था, बता रहा था कि लड़िए, कितने लड़कों ने लड़ा, तो अपना रिजल्ट अपडेट करवा लिया। आप बैठे थे तो बैठ करके अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं कमेंट कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कमेंट करने से आपके सबूत बनते हैं, आवाज उठती है, और फिर वो अपडेट होते हैं। बहुत सारे आप तो रोज ही देख रहे होंगे कि लड़के क्या क्या कमेंट करते रहते। अब देखिए, आज अभी शूटिंग के पहले रिजल्ट अपडेट हुआ है, ठीक है, 6:30-6:07 बजे के पहले हुआ है। 9 बजे एक लड़के ने फोन किया, सर धन्यवाद, मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया, मेरा -1 जो है तो ठीक हो गया, और मेरे यहाँ के 34 लड़कों का हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब 34 लड़कों का हो गया तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है तो आप जानते हो कि वो लोग जो है तो आकर के कमेंट करेंगे। आप जानते हो जिनका एग्जाम हो गया है वो अब शो पे क्यों आएंगे, क्यों शो देखेंगे, आप भी शो क्यों देखेंगे अगर आपका काम हो गया तो, और देखना भी नहीं चाहिए, सही बात है, आगे लोगों को मौका देना चाहिए। तो ये चीजें बता रहा हूं कि आप इस पे जो है तो हाय तौबा मत बचाइए। अब आपको 12 जनवरी फिक्स कर दिया गया है, अगर मान के चलिए कि कहीं ये ना हो कि एग्जाम जो सीबीटी एग्जाम हो रही है किसी कारण से कुछ पेपर कैंसिल ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए, इस चक्कर में ना बढ़े कि आगे बढ़ जाए। लेकिन अभी जो कल की जो बैठक हुई है उसमें 12 जनवरी डाल दिया गया है, 1-2 दिन के अंदर आपको लेटर जारी हो जाएगा जैसे मैंने बोला था। तो आप जो ये सब्र का आप बांध था, आपका बंधा हुआ था, जिसको आपने फूटने नहीं दिया, हालांकि बहुत सारे लोगों ने फूटना दिया, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठा रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सब्र का फल मीठा होता है। आपको नोटिस जल्दी 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगी, 25 तारीख के पहले पहले जारी हो जाएगी। चूंकि मैं यह बता दूं कि एक अधिकारी जो बड़े ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनका अचानक ट्रांसफ़र हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए कितनी दिक्कत होती है कि एक बार किसी अफसर को सारी चीज़ें बताओ, उसको सब प्रॉब्लम बताओ, दिखाओ, समझाओ, और फिर एक वो बन जाता है, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और फिर अचानक एक दूसरा अफसर आता है तो महीनों लग जाएंगे मेरे को। भैया पहले वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मेल करूंगा, मोबाइल नंबर लूंगा,
इधर उधर से फ़ोन करवाऊंगा, कुछ बड़े अधिकारियों से बताऊंगा, तब तक में वो मानेगा या नहीं मानेगा। आरसी जैन साहब आ रहे हैं, तब देखो क्या होता है। अब लगा हुआ हूँ कि भैया उनसे संपर्क हो जाए, उनसे संपर्क अभी नहीं हो पाया है। अब जैसे प्रभार लेंगे तैसे देखूंगा, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, कम से कम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाने के बाद विद्यानंद जी जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब पता नहीं कितने दिन तक बैठे हैं, लेकिन जब तक हैं तो वो अपना काम को निपटा रहे हैं। मैंने उनसे अनुग्रह किया कि सर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाला आपके रहते रहते हो जाए तो बहुत सारे बच्चों का सर भला हो जाएगा, और मैं यही चाहता हूं सर कि आपके रहते रहते जो है तो प्रैक्टिकल वाला नोटिस निकल जाए। और मैंने एक और गुजारिश की थी, जैसे एडमिशन को लेकर के तो चीज़ें पता नहीं क्या है, कहां से बीच में आ जाती है, कौन इसमें बीच में उंगली कर रहा है। लेकिन मैं आईटीआई वाले, आज प्राइवेट आईटीआई वाले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, आपके एसोसिएशन या पता नहीं मेरे को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें निकल करके आ रही है तो कुछ लोग इसमें खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं एडमिशन के लिए। क्योंकि एक बार किसी को मनाओ, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ये कोर्ट केस है कि मैंने न्यूज़ में दिखा दिया तो एडमिशन की डेट बढ़ ही जाएगी। मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैंने बड़े से बड़े अधिकारियों से ले करके ये चीज़ समझाने की कोशिश कर लिया था, बना लिया था कि सर, उनको मना लिया था कि सर ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर उसको जो है तो कल किसी ने मेल किया है या फ़ोन किया है, कुछ ऐसी चीज़ें बताई है कि जिसको सुन करके मैं भी थोड़ा सा अचंभित हूँ। पता नहीं उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस का मामला है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब अपने ही घर पे चोर हो जाएं तो फिर चोरी नहीं रोका जा सकता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, पता नहीं क्या आपस में एक दूसरे की दुश्मनी होगी कि एडमिशन की डेट ना बढ़ाई जाए, ये ऐसा है, वो ऐसा है, फला फला है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन देखिए आज 22 तारीख है, आज क्या होगा, जो फैसला होगा तो आपके सामने में आएगा। लेकिन अभी भी मेरे को इतना डाउटफुल लग रहा है, अब तो दिमाग ही खराब हो गया है बिल्कुल की, और आपस में ही एकता नहीं है प्राइवेट आईटीआई में, ये बहुत बड़ी चीज़ देखी गई है। और हमारे पास भी ऐसे आती है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर वो एसोसिएशन वालों ने चंदा कर लिया, वो एसोसिएशन वालों ने चंदा कर लिया, उसने फलाना ने कर लिया, वो दिल्ली में कर लिया, वो वहाँ कर लिया, ये ऐश करते हैं, दारू पीते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दुखता है कि आप लोग आपस में ही लड़ते हो और उसका फ़ायदा गवर्नमेंट उठा ले जाती है। तो जब तक आप एक नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया कि कल मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। हालांकि कल एक शो बन गया था कि बिहार में जो है तो वहाँ के प्रशासन आईटीआई को आईटीआई वाले पे 104 पॉइंट दिए हैं निरीक्षण करने के लिए। तो ये क्या था, मेरे को समझ से बाहर था। क्योंकि उसमें देखिए जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो आईटीआई वाला सब चीज़ें दे देता है, फिर उनके यहाँ क्यों ये लेटर भेजे हैं, जानकारी मांगे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या थी। लेकिन एक 100 नंबर के पॉइंट पे थी, उसको मैंने कल, आप लोग देख लीजिएगा, कल दिखाऊंगा मैं उस शो पे, कोशिश करूंगा कि कल, हालांकि शो बन गया है लेकिन थोड़ी सी चीज़ उसमें रह गई थी, उसको मेरे को और थोड़ा सा प्रूफ करना था सारी चीज़ें, तभी मैं शो में दिखाता हूँ, आप लोग जानते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिएगा क्या पॉइंट है, 100 पॉइंट पे है कि क्या कोर्ट केस आपने किया है या नहीं किया है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है कि हाँ हमने किया है। तो फिर अब सोच लीजिएगा कि क्या है कैसे है। हालांकि इस कोर्ट केस से डीजीटी प्राइवेट आईटीआई पे सबसे ज़्यादा वक्र दृष्टि डाली है, और ख़ास तौर से मैं बोलूँ तो उज्ज्वल विश्वास जी, बड़े डंके की चोट पर बोलता हूँ कि उज्ज्वल विश्वास जी तो बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, एकदम टेढ़े हो गए हैं कि भैया बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने जो जो पॉइंट बना करके आज रखा, तो सूत्रों से मेरे को पता चला, तो मैं अपने आप को लगाता हूँ कि मैं 28 साल से बड़ा नॉलेज वाला आदमी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं शायद उनके कुछ बातों को नहीं काट पाया हूँ।
और नहीं काट पाया हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है एक दिन का मेरे को टाइम मिले तो मैं उनके बात को काट दूं, जवाब दे दूं मैं, पर मैं भी सोचा कि चलो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी जब प्रूफ, जब अपने घर में ही विभीषण पैदा हो जाए तो फिर लंका दहन तो होना ही है, तो उस पर उसका काट मेरे पास नहीं है भाई साहब, उसका काट नहीं है। इसलिए जो भी हो भगवान करे कि अच्छा हो और अच्छे से रहे आप लोग। शो में अब यही सब कुछ दिखाया जाएगा आगे चल करके आईटीआई वाले, तो ध्यान देना है आप लोग कि मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ। आप लोग नाराज हो जाओ या आप लोग खुश रहो, या चैनल को देखे कोई या ना देखे, हमको मतलब 60 लोगों से है, हम 60 लोगों के लिए न्यूज़ तो बनाएंगे ही, जो सरकारी अफसर बैठे हुए हैं और जिनकी चमड़ी भी मोटी हो गई है जो सुनते नहीं हैं। तो अब टारगेट मेरे को जो करना था ना, मैं अभी तक स्टेट को और नोडल को टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, इसलिए हर जगह नहीं पहुंच रहा था। तो मेरी विनती है कि जो आईटीआई वाले हो तो अपने अपने स्टेट के कम से कम जो नोडल का अधिकारी है उसका नाम और मोबाइल नंबर, स्टेट के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम मोबाइल नंबर, और एग्ज़ाम कंट्रोलर जो हैं तो उनका नाम और मोबाइल नंबर अगर आप हमारे शो को प्रोवाइड करवा दें तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती है। उनको जब पता चलेगा कि कोई शो है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये मुद्दे उठाएंगे और मुद्दे आएंगे, तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये थी न्यूज़ कि 12 जनवरी से अभी तक का जो डेट बना हुआ है तो 12 जनवरी से आपका ईडी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। और देखिए नोटिस 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जो एग्ज़ाम दे चुके हो उनका बहुत जल्दी से आ जाए। एग्ज़ाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं बताऊंगा, कल परसों बताऊंगा, एक बार नोटिस आ जाने दीजिए फिर बताऊंगा। अपने को पता है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए आप, मटेरियल को रखे रहने दीजिए। नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है कि मटेरियल के लिए मैं बचाता हूँ, आप लोग जानते हो कि आता है तो मैं पहले बता देता हूँ। थोड़ा सा ईडी के जो कॉपी के लिए है कि उसको कितना जल्दी चेक किया जाए उस पर बात हो रही है, नहीं तो कल ही जो है तो वो निकल आता, आपका नोटिफिकेशन निकल आता। उसका जो है तो मेन क्या होता है कि स्टेट के लोग होते हैं और जो इनके खुद के रीजनल डायरेक्टर हर जगह बैठते हैं ना, तो वहाँ से रिपोर्ट है शायद मेरे हिसाब से कि 22 को और 23 को शायद, 22-23 दो दिन, कल आज कल परसों 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्टें आ जाएंगी कि मैंने कितना जल्दी कहाँ कहाँ काफ़ी जांची जाए, कैसी काफ़ी जांची जाए, उस पर भी जो है तो मैपिंग हो गई है, तो कि किनको लगेगा कि कितना जल्दी नंबर चढ़ाया जाए, क्योंकि आप जानते हो कि काफ़ी जचेगी तो इतना जल्दी तो जचेगी नहीं। प्रैक्टिकल के लिए भी 48 घंटे टाइम दिए हैं, तो ऐसे इसको भी कितना टाइम दिया जाए, एक हफ्ते के अंदर क्या काफ़ी जच जाएगी या 10 दिन के अंदर जच जाएगी काफ़ी, तो फिर आप उस हिसाब से आप लगा सकते हो कि आपका ये लास्ट जनवरी या 10 फरवरी तक जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ मैं बताऊं कि निर्भर है सफल एग्ज़ाम पे। जैसे अभी एग्ज़ाम सीबीटी का एग्ज़ाम 5 दिन बढ़ गया था, और ऐसे ही अगर ईडी प्रैक्टिकल का बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत सारे लड़के उसमें भी तो छूट जाएंगे। तो अगर भगवान करे सब कुछ अच्छा हो तो अच्छे टाइम पे होगा, जब चीज़ें छूटती है। देखिए आप स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट रहा, लेकिन इतना जो आपके अंदर खून का उबाल होता है उसको अभी बचा करके रखिए, है ना। अभी वक्त बहुत है, टाइम बहुत है आपके पास ज़िंदगी में आने में, उस पर आप लगाइए। अभी आप इन सब चीज़ों को हो जाने दीजिए। देखिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये न्यूज आप तक पहुँचाने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ता होगा। 24 घंटे आप कभी कहिए कि सर लाइव दिखाइए, तो मैं आपको जब दिखाऊंगा लाइव कि मैं 24 घंटे काम करता हूं, मतलब माने सोना ठीक है लेकिन सोते ही रहता हूं तब भी नींद में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एक न्यूज़ बनाने के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक टकटकी लगा करके फ़ोन पे देखना पड़ता है कि मैंने मैसेज किया तो उसका जवाब कब आएगा। कभी कभी जवाब नहीं आता तो कितना मायूस हो जाता होगा आदमी, कोई डांटता भी होगा कोई क्या, तो समझिए कि जोक नहीं है रोज न्यूज ले आना आपके पास, मजाक नहीं है, पैसे खर्चे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप चालू कर दो उसका कुछ फ़ायदा ना मिले, तो पैसा खर्चे होते हैं और अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है मेरे भाइयों।
आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, यही बोल सकता हूँ। और जो मन में आए वो करिएगा, लेकिन खुश रहिएगा और अपने माँ बाप का ध्यान जरूर रखिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।